बल्लभगढ़ में इस ठंड के मौसम का मंगलवार कोहरे के नाम रहा। सुबह लोग उठे तो सारा बल्लभगढ़ कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया और लोग अपनी अपनी गाड़ियों को धीमी रफ्तार पर चलाने को मजबूर नजर आए। अब देखना है कि इस कोहरे का असर दिन में कितने बजे तक लोगों को देखने को मिलेगा। इस कोहरे का ये नजारा सुबह करीब 7 बजे का है। सफेद चादर में लिपटा हुआ ये नजारा बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 19 का है। दरअसल आज सुबह 7 बजे तापमान में भी गिरावट देखी गई। आज सुबह तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जबकि 8 बजे के बाद ये तापमान बढ़कर 14 हो गया। आज पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोहरा काफी ज्यादा है और इतना ज्यादा कि आमने सामने के लोग एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे। इस बाबत गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलानी पड़ रही है। आज कोहरा इतना ज्यादा है कि गाड़ियां कोहरे की वजह से धीमी रफ्तार में चल रही है। अब 2 दिन से तो पड़ा है तो क्या हुआ बहुत बहुत दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, आज ज्यादा हुआ है। भगत सिंह जी लडौली से जी, माहौल भैया 10 की 15 स्पीड में चली है गाड़ी बिल्कुल वहाँ से। अच्छा, मंदी मंदी लेकर आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। वैसा ये भाई को पीछे से ठोक दे, आगे से ठोक दे, आराम आराम से लाला तो भाई को 10 कदम से आगे दिखाई ना दे रहा, यहाँ तो दिखाई तो दे रहा आगे तो। आज ज्यादा है, कल भी था आज ज्यादा है। ब्रह्मपाल घाटी सेक्टर 62 से कोहरे का आज अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कभी सदियों पहले पड़ता था जो आज ही फील हो रहा है। तकरीबन 20-25 साल हादसा हो सकता है, सावधानी से चलना चाहिए।